हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको ओमान का पांच सबसे बेकार कंपनी का नाम दोस्तों बताने वाला हूं, क्योंकि इस कंपनी में आपको भूल कर नहीं जाना है। अगर ये इस कंपनी में जाओगे तो जो भी ड्रीम लेकर आप काम करने जाते हो दोस्तों, वो आपका सब बेकार हो जाएगा। ना इसमें आपको टाइम पे सैलरी मिलेगी, ना टाइम पे खाना है, ना टाइम पे छुट्टी है, ना ओवर टाइम चलती है। तो ये पांचों कंपनी का जो मैं नाम लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत रिसर्च किया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यार आपको ओमान में 50% सप्लाई कंपनी है। इसके लिए सप्लाई कंपनी में बहुत ही बुरा हाल होता है। तो मेरा एक ही ड्रीम है और मेरा एक ही ये है, सपना है कि कोई भी मेरा वर्कर भाई सप्लाई कंपनी में ना फंसे। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे दोस्तों, मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ दुबई के अंदर, बट ओमान के कंपनी के बारे में मुझे ज़्यादातर पता है, क्योंकि वहाँ के वर्करों यहाँ पर आकर काम किए हैं और बहुत सारा वर्कर से बातें करके फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि 2 साल वहाँ काम करते फिर यहाँ पे दुबई में आ जाते हैं, तो वो लोग बताते हैं इस कंपनी के बारे में। इसके लिए आपको ये पांचों कंपनी में दोस्तों बिल्कुल नहीं आना है। इसका इंटरव्यू कहीं भी चलता हो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पर्पस यही है कि आप लोग ये मान लिया, अगर इसका इंटरव्यू आपको पता चल जाए कि हाँ ये कंपनी बेकार है, तो आप इंटरव्यू ही नहीं दोगे ये कंपनी को। क्योंकि आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छी कि ख़राब है। तो मैं यही प्रॉब्लम को सलूशन के लिए मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरा कोई भी वर्कर भाई कोई गलत कंपनी में ना फंसे। तो ये पांचों कंपनी के बारे में मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, वो प्रॉपर रिसर्च करके बता रहा हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए दोस्तों कि ये कंपनी के बारे में कैसे, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैं आपको अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। तो चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ ये पांचों जो ओमान का सबसे बेकार कंपनी है। इसमें जाने के बाद लेबर का जीवन ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, और 2 साल फिर कितना मुश्किल से गुजरता है। हम लोग वर्कर भाई पैसे इकट्ठे कर आते हैं काम करने के लिए, और फिर पता चलता है कि हम लोग गलत कंपनी में फंस गए। तो ये पांचों कंपनी में आपको बिल्कुल नहीं आना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ पांचों कंपनी का नाम। तो पहला कंपनी है दोस्तों, जो ये कंपनी सबसे बेकार कंपनी है, नंबर वन में सबसे बेकार कंपनी है, ये कंपनी का नाम है नेशनल डी कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं लोगो यूज नहीं कर रहा हूँ, ना फोटो इसका यूज कर रहा हूँ दोस्तों, कि बाई लक ये सब कंपनी वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं चैनल के साथ। तो कंपनी का नाम है नेशनल डी कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये ओमान का सबसे बेकार कंपनी है। नाम आप लोग याद रखो दोस्तों, ताकि अगर इंटरव्यू कहीं भी आप लोग दो तो ये कंपनी का नाम अगर जहन में हो तो आप लोग समझ जाओ कि ये सबसे बेकार कंपनी है। दूसरा है दोस्तों अल हुमैदा ग्रुप, ये भी कंपनी बहुत बेकार कंपनी है दोस्तों, और इस कंपनी में भी आपको भूल कर भी नहीं आना, क्योंकि इसमें भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सही है। और बहुत वर्कर को कोई भी मतलब उसमें फैसिलिटी नहीं है, वर्कर को जीना इसमें मुश्किल हो गया। जो लोग आए हैं रोते हैं दोस्त, किसी तरह अपने कंट्री वापस चले जाए, ये इतना बेकार कंपनी है, ठीक है। दूसरा है डी पी टी जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रुप, ये भी बिल्कुल ये कंपनी में दोस्तों नहीं आना। 2-3 बार नाम यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग के जहन में ये नाम आपको पता चल जाए, और अगर नहीं पता है दोस्तों तो 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो देखो, ताकि नाम आप लोग नोट करके रख लो, कि ताकि ऐसा कंपनी में आप बिल्कुल मत जाना। ये भी कंपनी बहुत बुरी कंपनी है दोस्तों, और इसका भी कहीं भी इंटरव्यू चलता हो बिल्कुल मत जाना, सही है। दूसरा है स्मार्ट कंस्ट्रक्शन डी ग्रुप, ये भी बहुत बुरी कंपनी है दोस्तों, और इसमें भी भूल कर भी मत आना, क्योंकि जो भी मैं बताया हूँ सिर्फ मैं अपने वर्कर भाई के लिए बचने के लिए, क्योंकि ये सब जितना है कंपनी बहुत बेकार कंपनी है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक लाइक ज़रूर।